हेलो बच्चों, आज हम हिस्ट्री में करेंगे कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। इसमें चार सिविलाइजेशन है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, एक है इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो कि इजिप्ट में है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन मॉडर्न डे जो कि इराक में है, द हुआंग हो रिवर वैली सिविलाइजेशन जो कि चाइना में है। हम हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान में है, उसके बारे में थोड़ी सी फ्लो चार्ट की हेल्प से हम पढ़ लेते हैं। इसको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, आलमगीरपुर ये वाले इसमें शहर थे। वेल प्लान टाउन्स एंड सिटीज़, तो जो टाउन्स और सिटीज़ थे वो बहुत प्लान थे। कवर्ड ड्रेनेज, ड्रेनेज यानी ये जो नालियाँ थी वो कवर्ड थी, ढकी हुई थी। वाइड स्ट्रीट्स यानी चौड़ी गलियाँ थी। ग्रेट बाथ, बड़े बड़े बाथरूम थे। ग्रेनरीज थी वहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। सोशल क्लासेस बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन यानी काम धंधे के अकॉर्डिंग क्लासेस बनाई हुई थी कि एग्रीकल्चर करते थे और कैटल रियरिंग यानी खेती करते थे और गाय भैंस को पाला करते थे। नेचर वर्शिप, पूजा किसकी करते थे, नेचर की यानी सूरज की, चांद की। फ्लॉरिशिंग ट्रेड, इस टाइम पे व्यापार जो था वो बहुत फैल रहा था। डिक्लाइन ड्यूरिंग 1500 BC, इस टाइम पे वो डिक्लाइन मतलब थोड़ी कम हो गई थी, विलेजेशन ख़त्म होने लगी थी। नेचुरल कैलेमिटीज़, क्लाइमेट चेंज, शिफ्ट इन कोर्स ऑफ इंडस रिवर, ये इसके रीज़न थे कि इस वजह से जो सिविलाइजेशन थी ख़त्म हो गई थी। यानी नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी कि अर्थक्वेक आया होगा, फ्लड आया होगा, क्लाइमेट चेंज हुआ था बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से भी लोग मर गए थे और इंडस रिवर का जो कोर्स था वो शिफ्ट हो गया था, इस वजह से भी लोग ख़त्म हो गए थे, ये जो सिविलाइजेशन है ख़त्म हो गई थी। मैं होप करती हूँ कि आपको समझ आया होगा।